किचन आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट साइड वेज काटी रोल। इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टर्न द पोस्ट नोटिफिकेशंस शेयर माय वीडियो एंड लाइक आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 मीडियम साइज आलू थे जिनको मैंने अच्छे से धो के बॉईल कर लिया है और मैंने इसको पील करके मैश कर लिया है। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। इसमें मैं डालूंगी ग्रेटेड अदरक, यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून है और यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 चॉप्ड ग्रीन चिली है वो भी डाल लेंगे और मेरे पास यहाँ पे कटे हुए धनिया है। मैं इसमें डालूंगी एज पर टेस्ट सॉल्ट। आप चाहे तो अपने हिसाब से इन मसालों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, पूरे आलू में इस मसाले को मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारे आलू में हमारा मसाला। अब हम इसको एक लंबी टिक्की के आकार में बना लेंगे। ये देखिए ऐसे, क्योंकि हम रोल बना रहे हैं इसलिए हम गोल टिक्की नहीं बनाएंगे, लंबी टिक्की बनाएंगे। ऐसे ही हम सारा हमारा बना लेंगे। ये देखिए हमारी टिक्किया बन गई है, अब हम इसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है, मैं इसमें हमारी टिक्कियां डाल दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल को ड्रिजल कर लूंगी टिक्कियों के ऊपर। अब हम इनको सेकने देंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियां तैयार है। अब चलिए हम अपनी थोड़े से वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, हम इसको गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज लिए थे जिनको मैंने ऐसा काट लिया है। अब हम इसको हमारे तेल में डाल लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम, यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम लिया था जिसको मैंने लाइंस में काट लिया है, हम इसको डाल लेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं सॉटे हुए थे। अब मैं इसमें एज पर टेस्ट सॉल्ट डालूंगी और ब्लैक पेपर। हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे पूरे वेजिटेबल सॉटे हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे और यहाँ पे मैं एक तवा चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया था जिसमें मैंने एज पर टेस्ट सॉल्ट डाला था और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था और इसका एक डो बना लिया था। और हमने रोटी से ज्यादा बड़ा और थोड़ा सा मोटा मैंने एक रोटी बना ली है और इसको आधा कच्चा पक्का सेक लिया है। अब हम इसको पूरा अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे और हम इसको अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए हमारी रोटी सिक गई है अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम चलिए इसको तैयार करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं एक टिक्की डालूंगी। अब हम इसके ऊपर हमारे सॉर्टेड वेजिटेबल्स डाल देंगे।
अब यहाँ पे मैं टमाटो सॉस को ड्रिजल कर दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास मयो भी है, और ग्रीन चिली सॉस। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ लूंगी इसको एक खट्टा फ्लेवर देने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास जीरा पाउडर है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल लूंगी और इसको थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेंगे। अब हम इसको चलिए रोल करते हैं। तो पहले हम एक साइड लेंगे और इसको ऐसे रोल कर लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास फॉइल है, हम इसको इससे रैप कर लेंगे। और ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे ऊपर कर लेंगे जिससे जो सब्जियां है वो हमारी गिरेगी नहीं। हमारा वेज काटी रोल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही इजी है इसको बनाना। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज जशिता किचन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।